अब सर संकटमय जीवन है, जो कुछ मिलता है सर थोड़ा बहुत रसोई दोनों टाइम का खाना दे जाती है, उससे गुजारा चला रहे हैं। यहाँ मकान में यहाँ जब रहते थे तो बारिश का पानी गिरा, उसकी वजह से सर्जरी वगैरह भीग गए और दीमक खा गई उनको। जो मेरा पूरा रिकॉर्ड था, जो भी कुछ हुई सर्जरी, वो ख़त्म हो गया। ज़मीन पर सोते हैं सर, सहायता के लिए कह के गए मगर अभी आए नहीं कोई। कोई नहीं है। पत्नी जी सर, हमने बताया ना आपको कि लड़की की डेथ हो गई, लड़की की डेथ होने के बाद में पत्नी की डेथ हो गई थी, बीमारी हुई थी उसको, टीबी हो गई थी। परिस्थितियां ऐसी आ गई जो मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सर घर की परिस्थिति, परिवार की परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं थी। ध्यानचंद को महारेजिमेंट वालों ने बुलाया हुआ था कोचिंग के लिए, उनने अपने लिए, तो हम लोग जो सागर स्पोर्टिंग क्लब वाले हैं MRC से प्रैक्टिस मैच खेलते रहते थे हमेशा। उन्होंने हम लोगों को एडवाइज़ किया कि ध्यानचंद साहब आए हुए हैं, आप लोग भी कोच, हम लोगों को कोच करने के लिए आप लोग भी कोचिंग लें तो आप लोगों को प्रोग्रेस के अच्छे चांसेस रहेंगे। हम लोगों ने भी उनसे फिर कोचिंग ली। हॉकी जो हम लोग का राष्ट्रीय खेल रहा है, ये हम लोग की अमानत है, ये फिर से वापस आ जाए यही कामना करते हैं। उसके लिए सर कि अपने यहाँ सरकार ने या दूसरों ने कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, अगर इसको प्लेयर्स को, क्लबों को अगर प्रोत्साहन और वो देते तो इंडिया इतनी गिरती नहीं।